हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी सिलेक्ट यूट्यूब चैनल। इसमें अंशिका। फ्रेंड्स, आप सभी के हमेशा एक क्वेश्चन होता है, एक डाउट होता है, दीदी मेरी थ्योरी में बस 13 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मेरा ओवरऑल रिजल्ट पास रहेगा, क्या मैं अपने मैथ्स में पास हो पाऊंगी, मेरे सिर्फ 12 नंबर आ रहे हैं क्या मैं पास हो जाऊंगी, इंटरनल में मेरे 20 आ रहे हैं क्या मैं पास हो जाऊंगी। इस टाइप से फ्रेंड्स एक दो नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है, ठीक है। एंड वही क्लास 12 का भी डाउट रहता है, क्लास 10 को तो वहाँ पे टेंशन थोड़ी कम होती है बिकॉज उनके इंटरनल भी वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। टेंशन यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लास 12 को होता है, उन्हें 33% स्कोर करना होता है। अब उनका भी डाउट होता है, दीदी मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या मेरा ओवरऑल रिजल्ट पास रहेगा। और एक और डाउट फ्रेंड, जो आपका एडिशनल को लेकर डाउट है ना, आज मैं उसको भी डिस्कस करूंगी। मैंने एडिशनल को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं बट अभी भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ना वो आते ही रहता है। मतलब एक होता है ना कि एकदम कंफर्म हो जाए, वो उनको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो आप वीडियो देखो। एडिशनल को लेकर जो आपका फाइनल जो डाउट है ना वो आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। और सीबीएसई ग्रीस मार्क्स देती है या नहीं, इस पर भी आगे बात करेंगे बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कुछ पेपर ऐसे हैं जो अच्छे नहीं गए, मेरे पास कमेंट आए हैं कि दीदी मेरे मैथ्स के एग्जाम उतने अच्छे नहीं गए हैं, मेरे फिजिक्स के एग्जाम जो क्लास 12 के हैं मेरे फिजिक्स के एग्जाम उतने अच्छे नहीं गए हैं, तो इस तरह का कमेंट आते हैं तो क्या होगा, मेरे रिजल्ट में पास होगा या नहीं। बहुत सारे देखो फ्रेंड्स, जिनका अच्छा जाता है उन्हें टेंशन नहीं होता है, ठीक है, बट जिनका एग्जाम अच्छा नहीं जाता उन्हें टेंशन होती है कि यार मेरा तो जो होगा सो होगा ही, मैं रिजल्ट आने के बाद दूसरों को क्या बताऊंगा, ये इसका स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो उन सब स्ट्रेस को फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपका खत्म करने वाली हूँ। और साथ ही मैं बात करती हूँ कि आखिर आपके रिजल्ट कब आएंगे। देखो फ्रेंड्स, मई तो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, अब आपका रिजल्ट वाला मंथ आ चुका है, तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो आफ्टर 5 मई, 5 मई के बाद आपका रिजल्ट आने की एकदम हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है। उसके बाद रिजल्ट आपका कभी भी सीबीएसई आउट कर सकती है, सीबीएसई बस वेट कर रही है नीट का एग्जामिनेशन का। नीट के एग्जामिनेशन होते ही फ्रेंड सीबीएसई की तरफ से बहुत ज्यादा चांसेस होता है, एकदम हाई चांसेस होगा आपका रिजल्ट को वो रिलीज करते, ठीक है। तो 6 से आप उम्मीद रख सकते हो कि आपका रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स, उससे पहले आप जानते हो कि आपको क्या करना है, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, मेरा बस छोटा सा रिक्वेस्ट मान लीजिए, अगर आप सभी चैनल पर नए हो, पुराने हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो आप सभी से मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। जैसे आपको अपने रिजल्ट का थोड़ा सा टेंशन नहीं होता है, उसी तरह से मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि लगता है कि बस कब पूरे होंगे 1000, उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, बट बिना आपके सपोर्ट के तो मैं आगे बढ़ने से रही, बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10 से। क्लास 10 को मिनिमम कितने मार्क्स मिलने चाहिए, मिले, ताकि वो अपने एग्जाम में पास हो जाए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके प्रैक्टिकल के इंटरनल असेसमेंट के। देखो फ्रेंड्स, स्कूल में ज्यादातर कितने मार्क्स दिए जाते हैं, 20 से लेकर 17 नंबर तक सभी स्टूडेंट को मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। जो थोड़े बदमाश टाइप के बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें टीचर 17 नंबर देते हैं, और ज्यादातर ऐसा केस होता है कि 19-20। आप अपना क्लास 9 का जो मार्क्स है, पास जो क्लास 9 का रिजल्ट है, आप उसमें भी देख सकते हो कि आपका प्रैक्टिकल में 19-20 ही मिला होगा, उससे कम प्रैक्टिकल में किसी को दिया ही नहीं जाता है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है ऐसा, ठीक है। बट यहाँ पे 17-18 तक मैं लेके चलूंगी बिकॉज ये होता है ऐसा, ठीक है, कोई टीचर 17 ही देता है, कोई 18 ही देता है, कोई 19, कोई 20, ठीक है। तो अगर आपके प्रैक्टिकल में टोटल आपको टीचर मार्क्स दे देते हैं, देन फिर आपको सिर्फ थ्योरी में 13 लाना होगा। अगर थ्योरी में किसी तरीके से आपका 13 आ जाता है, देन ओवरऑल एड करके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एड करके ये 33 हो जाएगा। मतलब कि आपको 33 चाहिए अपने एग्जाम में पास होने के लिए, आउट ऑफ 100 में से आपको 33 चाहिए पास होने के लिए, तो जो कि आपको यहाँ से बन रहा है, ठीक है। और किसी स्टूडेंट का वहाँ पे प्रैक्टिकल में 19 दिया टीचर ने, तो वहाँ पे उनको थ्योरी में 14 मार्क्स तक का लिखना होगा, उतना उन्होंने लिख लिया, देन फिर उनका 33 आ जाएगा। उसी तरीके से आप देख सकते हो 18 का अगर 18 नंबर उनके प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, तो उनके वहाँ पे थ्योरी में 15 नंबर तक उनको लिख के आना होगा, ठीक है। 15 मार्क्स तक अगर उनके आ गए, तो उनका रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड, उनका रिजल्ट पास आ जाएगा, वो उस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जो सबसे कम पॉसिबिलिटी है, मतलब कि 17 नंबर तक टीचर देते हैं, वो ये है 17 का अगर आपको थ्योरी में 16 भी आ जाता है, 16 नंबर तक भी आपने लिखा है, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो पास हो सकता है, ठीक है। मतलब उस सब्जेक्ट में आप पास बिल्कुल हो सकते हो। अब मैं बात करती हूँ, मैंने एक मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चली हूँ, ठीक है, कि अगर मान लीजिए 16 नंबर आ रहा है, 15 नंबर आ रहा है, उनको थ्योरी में कितना लाना होगा, तो उनको थ्योरी में 17, 18 या 19 लाएंगे तो भी उनका काम चल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ, कोई बच्चा होगा ऐसा जिसका इंटरनल में टीचर 10 नंबर दे 20 में से, अगर ऐसा कोई होगा फ्रेंड्स, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, बट मैं फिर भी एक अपनी तरफ से आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो उनको अपने एग्जामिनेशन में 23 लाना होगा थ्योरी में, तभी जाके वो उस सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, मैंने 5 तक का मिनिमम लिया है। अब मैं बात करती हूँ क्लास 12 की, जिन्हें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में सेपरेटली 33% स्कोर करना होता है,
ठीक है। तो मान लीजिए आपका पेपर 80 मार्क्स का है, तो उसका 33% कितना हो जाएगा, 26.4, मतलब कि आप उसको 27 मान सकते हो, ठीक है। तो 28 में अगर आपका 27 आता है तो आप अपने रिजल्ट में पास हो जाओगे, बिल्कुल पास हो जाओगे, आपको भी ये पता होगा, ठीक है। और अगर आपका पेपर 70 मार्क्स का है और आपको 33% चाहिए, यानी आपको 24 नंबर चाहिए उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए, इतना आप क्लियर हो। तो ये तो आप समझ गए क्या क्या इसका पासिंग क्राइटेरिया है। अब मैं बात करती हूँ सीबीएसई आपके ग्रेस मार्क्स जो है वो कैसे आपको देती है, सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी कैसे लगाती है। सबसे पहले मैं क्लास 12 की बात करती हूँ, तो जो उनका फिजिक्स का पेपर था वो सबने देखा कि बहुत ज्यादा टफ था उनका फिजिक्स का पेपर। एक अगर अकेला आपको टफ लगता तो वहां पे मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगाई जाती, बट यहाँ पे सारे बच्चों को टफ लगा, दैट मीन्स कि आपके फिजिक्स के पेपर रियली में टफ बनाए गए थे, दैट्स वाई इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई है, इसलिए वो मॉडरेशन पॉलिसी लगाएगी। और सेकंड मैं बात करती हूँ ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स उन स्टूडेंट को दिया जाता है फ्रेंड्स जो कुछ नंबर से फेल हो रहे होते हैं। अब आपका यहाँ पे आपको पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए, ठीक है, और आप 25 नंबर पे ही आ रहे हो, ठीक है, 24 नंबर पे ही आपका आ रहा है, तो आप यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, बट आपका जो ओवरऑल पेपर है वो भी आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है, ये नहीं कि बस कुछ भी लिख के अपना पेज भर दिए, ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है। उससे रिलेटेड लिखना है, फॉर्मूलाज लिखना है, थ्योरी लिखना है, कुछ डायग्राम अगर आ रहा है वो बनाना है, उस तरीका से कॉपी भरा जाता है, ये नहीं कि बस आप क्वेश्चन देख के उतार रहे हो या फिर जो मन में आ रहा है एक ही बार एक ही लाइन को दो दो बार उतार दे रहे हो, कॉपी आपका भरा गया एंड देन फिर आपको ग्रेस मार्क्स चाहिए, तो वो उस कंडीशन में नहीं मिलेगा। अगर आपने पेपर ओवरऑल अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स जरूर देगी, एंड अगर आपको 25 आ रहा है तो हो सके तो सीबीएसई आपको 27 करके पास भी करते, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट कि आप अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किए हो, ठीक है, एंड फिर अटेम्प्ट किए हो तो फिर आपको जरूर से जरूर पास कर दिया जाएगा। बिकॉज फ्रेंड्स जान रहे हो ना इतने सारे स्टूडेंट हैं, और अगर हर बच्चे ने इसी तरीके से किया, वो बस कुछ भी लिख दिया उनको पास कर दिया जाए, तो फिर जो बच्चे पढ़ के मेहनत करके ला रहे नंबर उनके साथ तो वो गलत हो जाएगा ना, इसलिए। तो यही सेम कंडीशन क्लास 10 के लिए भी होता है, ठीक है। क्लास 10 के स्टूडेंट ने भी अगर अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया है, अगर वो कुछ नंबर से फेल हो रहे हो एक या दो नंबर से तीन नंबर से, तो सीबीएसई उसको पास कर देगी, ठीक है। चलो इसका फ्यूचर नहीं बर्बाद करना है, सीबीएसई का ये मोटिव नहीं होता है कि वो किसी भी स्टूडेंट का फ्यूचर जो है वो बर्बाद करे। एंड सेकंड थिंग फ्रेंड, अब यहाँ पे आप एडिशनल के बारे में समझो, ठीक है, क्या क्या एडिशनल होता क्या है और कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक रिजल्ट देख सकते हो जिनका एक एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, एंड उनका जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट वो उनका इकोनॉमिक्स है, बट वो उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए जिसके कारण उनके उस सब्जेक्ट में आरटी आया, मतलब रिपीट थ्योरी, मतलब कि वो उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। बट क्या उनका ओवरऑल रिजल्ट फेल है? नहीं, उनका ओवरऑल रिजल्ट पास है। क्यों? बिकॉज उनके 6 सब्जेक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, एंड उनके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, एंड एक आपका एडिशनल है जो कि आपका फिजिकल एजुकेशन है, जिसमें उनके मार्क्स आप देख सकते हो 83 आया है, तो उनके मार्क्स 83 आए एंड इसमें उनके 32 आए, तो इनका जो मार्क्स है वो एडिशनल से रिप्लेस हो चुका है एंड इकोनॉमिक्स को एडिशनल में डाल दिया गया है, ठीक है। अब वो उनकी च्वाइस होगी कि वो उस सब्जेक्ट में इसी तरीके से उनका रिजल्ट रखना चाहते हैं आरटी, या फिर उनका वो कंपार्टमेंट देके अपना रिजल्ट को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, उनका वो सब्जेक्ट में पास लिखा हो जाएगा, तो सब सब्जेक्ट में अच्छा लगता है आपका रिजल्ट देखने में, वो आपका लाइफ टाइम का रिजल्ट हो जाता है ना, तो कुछ भी गलत होता ना देख के बाद में बहुत दुख होता है। इसलिए होता क्या है कि स्टूडेंट कंपार्टमेंट देके क्लियर कर लेते हैं, इसलिए मैं भी चाहूंगी कि अगर आपका ऐसा हो, ठीक है, रिजल्ट आपका ओवरऑल पास आ जाएगा, बट आप उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट जरूर दो। आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं और आपने कोई एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया, 6 सब्जेक्ट, वो 6 सब्जेक्ट आपको पता है कि वो मेरा एक एडिशनल सब्जेक्ट है, मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो मैंने एक अलग से चूज किया, ठीक है, क्लियरली मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो आपका 6 सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको 70 नंबर आया, यहाँ पे 80 आया है, यहाँ पे 90 आया है, ठीक है, यहाँ पे फिर आपका 60 मार्क्स आ गया है, एंड यहाँ पे आपका फिर यहाँ पे 90 आया है। और ये जो है आपका एक यहाँ पे एडिशनल को लेकर मैं बता दूं कि इंग्लिश जो है वो एक आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो चाहे वो क्लास 10 के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12 के, दोनों ही केसेस में आप अपना एडिशनल का जो मार्क्स है वो इंग्लिश से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, किसी और सब्जेक्ट से कर सकते हो बट इंग्लिश से नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे 6 सब्जेक्ट जो है उसमें आपका 90 आ रहा है, तो क्या होगा उस कंडीशन में फ्रेंड्स कि आप तो अपने सारे सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, तो क्या टोटल कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। एडिशनल का रोल क्या होता है, ये जो आपका 6 सब्जेक्ट है वो आपका फोर्थ वाले जो सब्जेक्ट है उससे रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज फोर्थ सब्जेक्ट में आपका 60 नंबर आया, तो उससे वो रिप्लेस होकर वहां पे वो 90 हो जाएगा, एंड फिर आपका जो परसेंटेज है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पहले 60 नंबर आया था, आप बेस्ट ऑफ 5 ही निकालोगे ना, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए कहीं भी आप जाओगे तो आप बेस्ट ऑफ 5 चूज करोगे, बेस्ट ऑफ 5 चूज करने के लिए जो आपका एडिशनल है वो रिप्लेस हो जाएगा आपके कम मार्क्स वाले सब्जेक्ट से, ठीक है, एंड आपका परसेंटेज को वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो आपका 30 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज भी तो इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये होता है एडिशनल का काम। अब कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, अब यहाँ पे दूसरी बात समझो फ्रेंड, मान लीजिए
आपके पास उस तरीके से फिर से पांच सब्जेक्ट थे, सिक्स आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया। अब आप किसी भी एक सब्जेक्ट में मान लेते हैं कि आप फेल हो चुके हो, तो क्या होगा, आपका ओवरऑल रिजल्ट पास होगा या फेल? तो अगर आपने सिक्स सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, और उसमें आप अच्छे नंबर से पास हो गए हो, मान लीजिए आपका 60 नंबर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आपका सिक्स सब्जेक्ट का मार्क्स है वो आपका थर्ड वाला जो सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल हो चुके हो उससे वो रिप्लेस हो जाएगा एंड आपका ओवरऑल रिजल्ट पास हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर एडिशनल का काम क्या होता है। फर्स्ट, वो आपके परसेंटेज को इंक्रीज कर देता है, और सेकेंड, आपका रिजल्ट में अगर फेल होते होते आपको पास कर दिया जाता है। ये दो काम होता है एडिशनल का। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए और अपने रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बस आप सभी फ्रेंड्स पास हो जाओ।